हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम टू द चैनल ब्लॉगर शर्मा। मैं हूं आपका होस्ट राम और मैं अपनी एक और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। एंड ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अमेजोन से मैंने एक पार्सल मंगाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फिला का बॉक्स है, फिला के शूज़ हैं इसमें। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंड किया कि फिला के शूज़ भी ट्राई कर। मैं प्यूमा के ट्राई करता मोस्टली, हालांकि मैंने और भी ब्रांड्स ट्राई किए हैं, लेकिन प्यूमा ज़्यादा मैं ट्राई करता हूँ। तो मेरे को फिला रिकमेंड किया है, इसलिए मैंने फिला ले लिया। देखते हैं, हालाँकि बॉक्स तो एकदम न्यू लग रहा है और पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी सी हुई थी। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, MRP है 3099, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, अगस्त 2018 में मिला है। एंड साइज 25 सेंटीमीटर, UK 6। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अमेजोन से मंगाया एंड इसमें मैंने साइज 6 ऑर्डर किया था। हालांकि मुझे 7 भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है, तो मैंने रिस्क लेके 6 ऑर्डर कर दिया। 6 का प्राइस कम था, 7 का ज़्यादा था, 8 का और ज़्यादा था। ये अमेजोन पर ही आपको सिर्फ ऐसा होता है कि प्राइस में वेरिएशन होती है साइज़ के हिसाब से। तो देखते हैं बाकी इसमें कैसा है। बॉक्स तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, बॉक्स ऑफ शूज़ भी अच्छे निकले। ओके, यहाँ पे आपको फिला का एक और लोगो मिलता है यहाँ पे पेपर पे। वाओ, शूज़ तो यार वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये नेवी ब्लू कलर है और ये लाइम कलर है। ये येलो नहीं है, ये ब्राइट येलो है, मीन्स लाइम कलर है, इसीलिए वो LIM लिखा है उसमें, वो शॉर्ट में। एंड शूज़ तो मैंने इतने एक्सपेक्ट नहीं करे थे जितने अच्छे लग रहे हैं ये इन रियल। ये आपको सोल भी इसका डिफरेंट पैटर्न में है। यहाँ पे 3-4 मटेरियल यूज़ किए गए हैं, मैं आपको जैसे डिटेल में बताता हूँ। ये लेदर है, ये लेदर है सारा। एंड यहाँ पे स्टिचिंग काफ़ी फिनिशिंग के साथ हुई है। ये आपका सिंथेटिक है, सिंथेटिक रबराइज जैसा मटेरियल है। ये भी आपका सिंथेटिक रबराइज मटेरियल है। इसमें यहाँ आपको ये भी नेवी ब्लू है और ये वाइट कलर में है। ये आपका सोल काफ़ी हार्ड है और ये रबर है, ठीक है। एंड ये आपको मैश मिल जाता है यहाँ पे। ये रिफ्लेक्टिव है ये वाला, ये जैसे कि आपको स्पोर्ट्स शूज़ में पहले मिलता था वैसा ही कुछ मटेरियल है। आपको ये बैजिंग है यहाँ पे, फिला की बैजिंग। एंड ये एरिया वापस आपका लेदर में। शू लेसेस से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, हालांकि अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन उतनी बेहतर क्वालिटी नहीं है जितनी प्यूमा की होती है। एंड सेकेंडली, अगर ये कॉम्बिनेशन ये वाला दे देते तो लुक्स और ज़्यादा एनहांस हो जाती, बट स्टिल अच्छा है। यहाँ पे आपको वापस फिला की बैजिंग, यहाँ पे भी आपको फिला की बैजिंग लोगो मिल जाता है, प्रिंटेड है ये वाला। सो ये है शू फिला हेक्स। एंड मैं आपको इसका सोल दिखाऊंगा। यहाँ पे ये कलर मेरे को बहुत पसंद है ये वाला, और इसकी ये अच्छा लग रहा है। अंदर से फोम भी काफ़ी सही है इसकी, ये भी कंफर्टेबल तो लग रहा है मुझे। ये शूज़ का डिज़ाइन भी मुझे कुछ यूनिक सा लगा और अच्छा लगा। इसमें मेरे को एक ब्लू एंड ब्लैक मिल रहा था, ये ब्लैक एंड ये ब्लू, लाइट ब्लू, तो लेकिन उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो अब जैसे मैं आपको इसका सोल दिखाता हूँ, सोल अगर आप देखें तो यहाँ पे हेक्सागन शेप में है, इसी की वजह से इसका नाम हेक्स फिला हेक्स लिखा है। ये हेक्सागन शेप में है, ये फोम ये आपका इजीली प्रेस हो जाती है। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है, तो ये वाला पोर्शन आपका जो हील्स वाला है ये थोड़ा ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाला है। हालाँकि यहाँ नीचे बिल्कुल फ्लैट है, ये बिल्कुल जैसे ये आपका पोर्शन है ऐसा ही है। यहाँ पर आपको वापस फिला का लोगो मिल जाता है, बाकी और कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी सफिशियंट है। एक दो
दो तीन चार सफिशेंट है। तो शूज़ इन शॉर्ट मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छे हैं। ये आपको फिलहाल का एक टैग मिलता है, फिलहाल हेक्स ये शूज़ का नाम है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप देखेंगे ऑनलाइन अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट पर आपको बहुत इसमें ऑप्शंस दिखेंगे, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये 6 मैंने ऑर्डर किया था UK 6, ये भी मेरे को थोड़ा सा बड़ा ही है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और शूज़ के कंपेरिजन में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक साइज़ आप स्मॉलर ही ऑर्डर करें। सो गाइज लेट्स सी, ये है येलो लेसेस के साथ, ये है स्टॉक लेसेस के साथ। मेरे को ये वाले लेसेस मिले थे नेवी ब्लू, एंड ये वाले हैं जो मैं अभी मार्केट से परचेज करके लेकर आया हूँ। ऑनलाइन में मेरे को मिल रहे थे ऑप्शन, लेकिन एग्जैक्टली ये कलर नहीं मिल पा रहा था, उसमें मेरे को डार्क येलो मिल रहा था। तो मैं आप लोगों की सजेशन चाहूँगा कि आप लोगों को कौन से पसंद आए, एंड मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, नेवी ब्लू या फिर येलो। सो गाइज अब बात करते हैं इसके प्राइस की। ये मुझे एग्जैक्टली 920 रुपीज़ का पड़ा है, एंड जो बाकी साइजेज हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, तो अमेज़ॉन पे ही आपको ऐसी डील मिल सकती है। एंड मैंने और शूज़ की अनबॉक्सिंग की है जिसकी आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगी, एंड मेरी वीडियोज़ को ऐसे देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लॉगर शर्मा, बाय बाय, टेक केयर।